हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के फिंगरटिप बायोलॉजी एंड एलएन के मॉड्यूल का डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैं ऑलरेडी इनके डिटेल रिव्यूज़ और इनके पीडीएफ के वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूं। आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा मॉड्यूल है मेरे पास और इसमें मैं एक चैप्टर आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना डिटेल में दिया हुआ है और एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप में कितना डिटेल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी थ्योरीज में एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें कवर किए गए हैं। पूरी डिटेल थ्योरी है, साथ ही साथ इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ डायग्राम्स भी कवर किए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए और थ्योरी को अच्छे से मेमोराइज़ करने के लिए आपको देखना ज़रूरी है। अब चलिए फिंगर टिप बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि ये चैप्टर कितना डिटेल में दिया गया है। एज यू कैन सी, ये पेज नंबर है इसका एंड ये इसका चैप्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नैपशॉट के नाम से यहाँ पर थ्योरी दी गई, यानी कि ये शॉर्ट नोट से, ये डिटेल थ्योरी नहीं है। तो ये एक दो पेज में फिनिश हो जाएगी। एज यू कैन सी, दो पेजेस में ये थ्योरी ख़त्म हो चुकी है एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, ऑनेस्टली मैं बात करूँ, एलन के मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चंस 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और 40% क्वेश्चन वो हैं जो कि एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि इस मॉड्यूल के अंदर थ्योरी दी गई है। जो मॉड्यूल की थ्योरी है उसमें से 40% क्वेश्चन ड्राइव करके उन्होंने एक्सरसाइजेस में डाले हैं और 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी एट योर फिंगर में, आपको 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिलेंगे और 10% क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर एनसीईआरटी के रिलेवेंट के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप इज़ द बेस्ट। बिकॉज अगर आप नीट एग्जाम में देखें तो 85 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन हैं या फिर 7 क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर के आते हैं, वो आपको अगर तैयार करना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और आपको डिफाइंड नहीं है कि आप जो पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप लें फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एलन के मॉड्यूल को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर इतना डिटेल में दिया गया है, आपको इतना ज़रूरी नहीं है। आप नीट 2020 का पेपर उठाकर देख सकते हैं, 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। और अगर आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप करते हैं तो आपके डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एलन के मॉड्यूल के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है, लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपको एलन की थ्योरी में दिए गए हैं, जो मॉड्यूल के अंदर थ्योरी दी गई है। और वो थ्योरी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं इतना लंबा चैप्टर था और लेकिन क्वेश्चन का नंबर बहुत ज़्यादा है मॉड्यूल्स के अंदर। तो अगर आप एलन के मॉड्यूल अगर आपके पास हैं तब तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें बाय मत कीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप इज़ द बेस्ट बुक, उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उसके अंदर साथ ही साथ आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और साथ ही साथ इससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में, जो नीट के एग्ज़ाम में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी दिए गए हैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप के अंदर, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं और एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बनाए गए हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इस बुक के अंदर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन एलन के मॉड्यूल के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसके एक्सरसाइज के आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर की मिलेगी और डिटेल सोल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। और इस फिंगर टिप बायोलॉजी के अंदर आपको इसके डिटेल सोल्यूशन भी मिलते हैं एज यू कैन सी, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इतने ही क्वेश्चन अगर तो आप बार बार ट्राई करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बार बार इसकी थ्योरी रिवाइज करेंगे, तो आपको मोर देन सफिशियंट है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन नीट। सो दिस इज़ माई ओपिनियन फॉर यू कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो प्लीज़ आप मॉड्यूल बाई मत कीजिए, और अगर आप 11th में हैं तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 साल का टाइम है। लेकिन ड्रॉपर्स के पास अक्सर 7 से 8 ही महीने होते हैं, लेकिन आप 2021 की अगर बात करें तो 6 मंथ ही बचे हैं फॉर द प्रिपरेशन। सो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो आप एलन के मॉड्यूल बाय करें, बिल्कुल बाय मत करना।
लेकिन अगर आप 11th में हैं तो आप बाय कर सकते हैं। थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी बहुत ज़बरदस्त दी गई है, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे डायग्राम्स कवर किए गए हैं मॉड्यूल्स के अंदर और बहुत डिटेल में थ्योरी दी गई है। लेकिन एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो बहुत आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। आपको मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है अपनी वीडियो के अंदर, आप मेरे चैनल को विजिट करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने इररिलेवेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगर आप NCERT एट योर फिंगर टिप सॉल्व कर लेते हैं फुल, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे नीट में, नो डाउट। और यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर भी बहुत ज़्यादा है मॉड्यूल्स के अंदर, और आप इतने क्वेश्चन सॉल्व मुश्किल से ही कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 11th और 12th को मिला करके टोटल 97 चैप्टर्स हैं। और उसमें अगर आप एक चैप्टर के अंदर 500 to 600 क्वेश्चन करेंगे तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता है कि आपके जो है सारे के सारे चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं मॉड्यूल को तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है आप 6 months में अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं मॉड्यूल्स तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट आई पर्सनली सजेस्ट यू प्लीज़ बाय मत कीजिए। अगर आप एक ड्रॉपर हैं, आप NCERT एट योर फिंगर टिप ले लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। और आपके पास अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होगा तो उसके अंदर आपको स्नैपशॉट के नाम से शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, आप उन्हें रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है NCERT एट योर फिंगर टिप की कि आपको कम क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन सारे के सारे NCERT की लाइन से बनाए गए हैं क्वेश्चन। और जो 10-12 क्वेश्चन हैं भी जो आउट ऑफ NCERT हैं, वो आप ईजिली कर भी लेंगे। अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो वहाँ के नोट्स को रिवाइज़ करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एज देने के लिए काफ़ी हैं। साथ ही साथ इसमें एसोसिएशन रीज़न भी हैं, और इसमें साथ ही साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं मिलते हैं, वो आपको मॉड्यूल्स में ही मिलते हैं। लेकिन आई सजेस्ट यू कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ये करना चाहते हैं तो आप अलग से बुक परचेज कर लीजिए, लेकिन मॉड्यूल्स मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आप एक ड्रॉपर हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक।